हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला किचन। आज हम बनाएंगे गिट्स के गुलाब जामुन। गिट्स के गुलाब जामुन के लिए मैंने पैकेट लिया है गिट्स का। इसमें से 60 गुलाब जामुन बनेंगे। 300 ग्राम का पैकेट है। और फ्रेंड्स, इसमें ये पैकेट आया था पाउडर का, मैंने ये छान के लिया है इधर। और इसमें मैं जो भी बनाती हूँ, मेरे मेथड में बनाती हूँ मैं, इसका जो भी माप है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें जैसी लिखा है वैसा आप कर सकते हैं, पर यही मेथड में आप फॉलो कर सकते हो। इसमें पानी का माप, शक्कर का माप वगैरह जो लिखा है आप ले सकते हैं। पर मैं बाकी का हमारा इंग्रेडिएंट्स है, दूध लिया है, शक्कर, इलायची, पानी और घी। आप चाहे तो केसर भी यूज कर सकते हैं। पहले हम बनाएंगे चाशनी, गुलाब जामुन की चाशनी बनाएंगे। फिर हम गैस चालू करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये 2 बॉटल पानी लिया है और हमने बड़ा बर्तन लिया है क्योंकि हमारा जामुन आराम से उसमें डूब जाए। फ्रेंड्स, मैं इसमें शक्कर, हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते, उस हिसाब से मैं शक्कर डालने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप पैकेट का जितने लिखा है उतना आप फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने एक माप लिया है, 3 कप शक्कर लिया है। अगर आपको हमें ज़्यादा मीठा चाहिए तो हम बाद में और भी डाल सकते हैं। पहले मैं सिर्फ 3 कप डाल रही हूँ। हमें कंटिन्यू मिक्स करना है जब तक हमें हमारी शक्कर पिघल ना जाए और हमें बॉईल आना देना है। चाशनी नहीं बनाना है हमें। चाशनी बना होने से पहले ही हमें गैस बंद करना है। फ्रेंड्स, मैंने 3 कप शक्कर डाली थी, मैं और 1/2 कप डाल रही हूँ मैं इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपकी शक्कर मट्टी वाली रहेंगी तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए और बाद में ऊपर जो फेस आता है वो सब कचरा निकाल दीजिए या छान लीजिए वापस। मेरी शक्कर वाइट थी और उसमें कचरा नहीं है तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है ना नींबू यूज़ करने की। हमें थोड़ा 3-4 मिनट उसको बॉईल करना है। 5 मिनट भी आप बॉईल करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ठीक शक्कर ज़्यादा डाल के कर रहे हैं तो उसको चाशनी नहीं बनाना है। चाशनी बनने से पहले ही उसको बंद कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें इलायची डालेंगे। मैंने इलायची पाउडर बनाया है और इलायची के छिलके भी लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ छिलके भी डाल सकते हैं और छिलके को कभी फेंकना नहीं चाहिए, आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। और इलायची नहीं रहेंगे तो सिर्फ छिलके भी डाल सकते हैं। अगर आपको केसर डालना है तो अभी आप डाल सकते हो इलायची के साथ। और बाद में हम जामुन डालेंगे, तभी हम छिलके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम जामुन बनाएंगे। इसके लिए हमने दूध लिया है, दूध से हम आटा गूंदेंगे इसका। हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने माप से नहीं लिया है। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। मैं
मैंने गरम दूध नहीं लिया है, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के रखा था। आटा गूंथ के ले लिया है तो हम इसमें से थोड़ा निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा दूध डालूंगी और इसको नरम करूंगी। ये देखिए ऐसा नरम करना है और ऐसा मसलना है उसको। इतना अब हम इसका, आपको जितना चाहिए उतना बड़ा आप बॉल्स बनाए। ये देखिए स्मूथ बॉल्स हो जाता है। फ्रेंड्स मैंने बॉल्स बना लिए हैं। ये देखिए प्लेन और अच्छे से हो गए हैं, क्रैक नहीं है। और मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था और घी भी गरम हो गया है। घी हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, यहाँ कम गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है, फास्ट नहीं रखना है। आपको जितना डार्क चाहिए उतना आप बना रख सकते हो। हम थोड़ा डार्क रखेंगे क्योंकि चाशनी में डालने के बाद थोड़ा कलर लाइट हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसे जामुन खाने में भी टेस्टी लगता है, ऐसे ही खाएंगे तो भी। फ्रेंड्स मैंने जामुन को फ्राई कर लिया है, अब हम उसमें गरम चाशनी में डालेंगे उसको। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे ही एक करेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे क्योंकि स्पून से करेंगे तो टूट जाएंगे और थोड़े थोड़े टाइम में बाद में ऐसे ही राउंड करना है, फूल जाएंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब आप हम फ्रिज में रखेंगे इसको। तब तक हम इसमें रख देंगे थोड़े टाइम हम बंद करके, और बाद में मैं 15-20 मिनट के बाद वापस उसको ऐसे करने वाली हूँ राउंड। स्पून से नहीं करना है हमें। अब मैं ढक के रख रही हूँ। फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन रेडी है। ये देखिए मैंने इसको स्पून से नहीं मिक्स किया था, सिर्फ मैंने ऐसे ही राउंड ऐसे ही मिक्स किया था। ये देखिए और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम उसको सर्व करेंगे और हमें साइड में से एक एक निकालना है, बीच में से नहीं निकालना है, नहीं तो टूटने का डर रहता है। ये देखिए ऐसे हमें लेना है। और मैं थोड़ा पानी भी साथ में लेती हूँ, जितना हम मैंने इतना ही स्वीट रखा है जितना हम पी सके। फ्रेंड्स गिट्स के गुलाब जामुन रेडी है। आप वैसे ही बनाए जैसे मैंने आपको बताया था।
इजी प्रोसेस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।